वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आपके बिजनेस स्टैट्स की फर्स्ट क्लास है और आज के क्लास में सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फर्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज, जिसको हम मीन भी कहते हैं। ये आपका फर्स्ट यूनिट होने के पीछे इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक भी है, कारण भी है, क्योंकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज आप समझेंगे। इसमें आप मीन, मीडियन, मोड और आप अर्थमेटिक मीन और आप ज्योमेट्रिक मीन, जो भी चीज़ आप यहाँ पर समझेंगे, ये जो आने वाले चैप्टर हैं, चाहे वो आपका कोरिलेशन हो, चाहे वो आपका डिस्पर्जन हो, उसके लिए बेस का काम करेंगे। क्योंकि वहाँ पर आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, लेस देन, मोर देन, आपका मिड वैल्यू, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, वो सब कुछ आपको नॉलेज इसी आपको यूनिट में वन में आपको मिल जाएगा। तो बड़े ध्यान से बिल्कुल अलर्ट होकर के इसको सीखना है। और फर्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके साथ में एवरेज। देखिएगा, स्टैट्स को पढ़ने का अप्रोच क्या रहता है बच्चों का, मैं उसके ऊपर ही बात करूंगा। स्टैट्स में जनरली स्टूडेंट्स अभी तक जो मीन, मीडियन, मोड, स्टैट्स का मतलब सीधा माइंड में यही क्लिक होता है। बच्चे, ये मीन, मीडियन, मोड तो एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में इससे कहीं ऊपर उठ करके चीजें आएंगी। वो रिग्रेशन से आएगा, वो टाइम सीरीज से आएगा, वो इंडेक्स नंबर से आपका आएगा, वो आपका डिस्पर्सन से आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आएगा, इससे कहीं ज्यादा उठ के ऊपर क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ पर स्टैट्स को करने का जो एक अप्रोच है बच्चे का, वो क्या है कि एक फॉर्मूला लर्न करा, क्वेश्चन देखा और उसी से कर लिया। इससे कोई लेना देना नहीं है कि अब आपके पास में वो क्वेश्चन जो आपने आंसर निकाला है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सवाल पूछ रहा है वो किस यूज में आएगा, उससे बच्चे कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं होते हैं, सीधा एक सॉल्यूशन के प्रोसेस पे जाते हैं। लेकिन आपका बिजनेस स्टैटिक्स है तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन को फेस करोगे, और एप्लीकेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम को तभी आप समझ पाओगे, उसको तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला हूँ स्टैट्स में, कि आपको फॉर्मूला से क्वेश्चन करवाने के साथ साथ, मतलब प्रोसेस के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट पे भी बात हो, इसका खास का ध्यान रखने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है एवरेज। एवरेज जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहेंगे एवरेज को एक और नाम से बुलाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मीन। ठीक है, एवरेज को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज को हम मीन कहते हैं। बेसिकली क्या होता है एवरेज समझना ये है, और किस लिए होता है एवरेज समझना ये है, फिर कैसे निकालते हैं एवरेज, ये तीसरा नंबर का सवाल है। पहले आप समझिए एवरेज क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। दो क्लासरूम है, मान लीजिए आपके पास में दो क्लासरूम है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मान लो एक क्लासरूम में 11th ए है और एक क्लासरूम 11th बी है, दो क्लासरूम है, और दो क्लासरूम में इकोनॉमिक्स के दो डिफरेंट टीचर हैं। 11th ए में जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और 11th बी में जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, दोनों क्या हैं, दोनों टीचर अलग अलग हैं। मैं एज अ प्रिंसिपल हूं और मुझे 12th क्लास में एक इकोनॉमिक्स का टीचर चाहिए, और दोनों ही टीचर चाहते हैं कि भैया मुझे प्रमोट कर करके मुझे 12th में भी दिया जाए। ये भी चाहते हैं जो सेक्शन बी में पढ़ा रहे हैं, वो भी चाहते हैं जो सेक्शन ए में पढ़ा रहे हैं। मेरे लिए कन्फ्यूजन ये है कि भैया मैं किसको प्रमोट करूं, दो टीचर है मेरे पास में, एक को ही प्रमोशन देना होगा। तो यहां पर एक काम करते हैं, जाहिर सी बात है कि टीचर की डिग्री को देख करके प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि एज अ प्रिंसिपल मैं इस बात को जानता हूं कि किसी भी डिग्री बहुत ज्यादा बहुत अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा सेटिस्फाइड भी कर सकता है स्टूडेंट को, अच्छा वो समझा भी सकता है। अपने नॉलेज को बढ़ाना एक अलग चीज है, बच्चों को नॉलेज देना एक अलग चीज है, और पढ़ाने के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है, कि उसके पास नॉलेज भी होना चाहिए और नॉलेज बांटने का तरीका भी होना चाहिए। तो इसलिए उनकी डिग्री को देख करके मैं ये डिसाइड तो बिल्कुल नहीं करने वाला कि कौन 12th को पढ़ाएगा। आइए इनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। परफॉर्मेंस तो भैया पता लगेगा मुझे इनके क्लासरूम के रिजल्ट से। तो मैं दोनों ही टीचर को एक इंस्ट्रक्शन देता हूं कि बोलता हूं एक कॉमन क्वेश्चन पेपर बनाओ, और वो 11th ए में भी 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनाना है, जिसका 11th ए में भी टेस्ट कंडक्ट करो और 11th बी में भी टेस्ट कंडक्ट करो, और ऑनेस्टी के साथ में इस टेस्ट को कंडक्ट कर करके, और पेपर मार्क्स बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में दो, और फिर उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा कि भैया किस क्लासरूम की परफॉर्मेंस बेटर है।
आप इस बात को समझिए, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि 11th ए में से एक सिंगल स्टूडेंट को मैं और 11th बी में से एक सिंगल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करूं, नहीं, क्योंकि एक बच्चा तो हर क्लास में ऐसा होता है जो कि टीचर का उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, वो खुद भी पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, टीचर अगर पूरे साल ना जाए तभी वो अच्छे मार्क्स लाएगा, तो ऐसे बात ऐसे परफॉर्मेंस पता नहीं लगेगी, पूरी क्लास को पार्टिसिपेट करवाना होगा ना। तो मैंने कहा कि पूरी क्लास का टेस्ट लेना है 11th ए में, और बी में भी पूरी क्लास का टेस्ट लेना है। अब टेस्ट हो गया, पेपर चेक भी हो गया, वो मेरे पास मार्क्स लेकर के आए, एक 11th ए वाले और एक 11th बी वाले। अब मुझे 11th ए वाले टीचर से बोल, बताइए मार्क्स क्या है 20 में से। कहता सर एक के तो 20 out of 20 है, एक के 19 है, एक के 7 है, एक के 8 है, एक के 3 है, एक के 5 है, एक के 15, एक के 17 है, 0 है, 3 है, 5 है, 9 है, 8 है, 11 है, 12 है, 13 है। इस तरीके से मेरे पास में इन्होंने अपने 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स बताए। 11th बी वाला टीचर भी शुरू हो जाता है कि सर एक के 20 है, एक के 19, 18 है, 3 है, 0 है, 7 है, 5 है, 11 है, 15 है, 17 है, 18 है, 3 है, 7 है, 9 है, 11 है, 12। मैं कहता भाई चुप शांत, इस तरीके से आप जो इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हो इससे मैं एनालाइज नहीं कर पाऊंगा कि दोनों क्लासरूम में से कौन सी क्लासरूम ने बेटर परफॉर्म किया है। तो मेरे लिए यहां पर यह प्रॉब्लम आ गई है क्या कि कोई और दूसरा तरीका हो। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर 30 स्टूडेंट से मैंने कहा मार्क्स टोटल कर लो, तो 30 स्टूडेंट है, इन्होंने क्या करा मार्क्स करा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर 30 है, और टोटल मार्क्स में टोटल मार्क्स करके लाओ, तो टोटल मार्क्स ये करके लाते हैं। तो यहां टोटल मार्क्स जो है इनके पास में 450 टोटल मार्क्स है। क्लियर है जी, बात समझे। और एक दूसरी क्लासरूम 11th बी है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है 20 स्टूडेंट्स हैं, और जो टोटल मार्क्स हैं 20 स्टूडेंट्स हैं, और जो टोटल मार्क्स हैं 360 नंबर टोटल है। तो अब टोटल मार्क्स से लेकर आए 11th ए के टीचर आए मेरे पास में, कहते हैं सर मेरे क्लासरूम का तो टोटल मार्क्स 450 है। 11th बी का कहता है कि मेरे पास में 360 मार्क्स टोटल आया। तो क्या मैं ये बोलूंगा 11th ए के टीचर बेटर परफॉर्म करा हुआ है, इनके बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो 11th ए को प्रमोट दे दें, क्या ऐसा कहना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि टोटल मार्क्स तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा आएगा क्योंकि इसके पास बच्चे ज्यादा हैं, बात समझे। तो एक काम करता है मैं, बोलूंगा एक काम करो आप अपने जो टोटल मार्क्स है ना इसको सभी बच्चों पे आप इक्वली शेयर कर दो, तो ईच के शेयरिंग में कितना आएगा वो देखो। तो 15 मार्क्स किसके शेयरिंग में आ रहा है? हर एक के शेयरिंग में आ रहा है। इस 15 नंबर का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक बच्चे के एक्चुअल में 15-15 नंबर ही आए हैं, किसी के 20 भी हो सकते हैं, किसी के 0 भी हो सकते हैं, पर ऑन एवरेज जो क्लासरूम के मार्क्स ज्यादातर बच्चे इस मार्क्स के आसपास या ये मार्क्स लेके बैठे हैं, इसको कहते हैं हम क्या, इसी को हम बोलते हैं एवरेज मार्क्स। एवरेज ये बच्चे क्या हमारा, ये हमारा एवरेज मार्क्स है। सिमिलर यहां पर भी मैंने क्या करा, एवरेज मार्क्स निकाला। एवरेज मार्क्स क्या है मेरे पास में, 360 डिवाइडेड बाय 20 18। तो मतलब इस क्लासरूम में लगभग बच्चे के जो मार्क्स है वो 18 के आसपास है या 18 है। तो अब एवरेज मार्क्स को हम कंपेयर करेंगे तो सेक्शन बी की जो टीचर है उन्होंने बेटर परफॉर्म करा है, इनको प्रमोशन मिलेगा। तो अब आपको यहां पर बहुत सारी बात समझ में आ चुकी है। आपको पहले इस बात को आप जरा आप पहले आप समझें कि इसका यूज क्या है, इस बात को भी समझे। मान लीजिए कि कोई एक फॉरेन कंपनी है, वो चाहती है कि इंडिया के किसी भी लोकेशन पे वो एक शोरूम ओपन करना चाहती है जिस ब्रांड की स्टार्टिंग ही 15-20,000 से स्टार्टिंग होती है शूज की। तो ऑब्वियसली आ करके करोड़ों का शोरूम बनाना, करोड़ों का माल उसमें डालना, उसको फिर चलाना, तो उसमें पहले तो देखना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज क्या है या फिर लॉस की पॉसिबिलिटीज क्या है। इतना हैवी इन्वेस्टमेंट एकदम से तो होगा नहीं। तो बच्चे आप इस बात को समझिए कि वो एकदम से नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, वो पहले वहां पर ये देखेंगे मेरा ब्रांड स्टार्ट 15,000 से हो रहा है, लोगों की आमदनी क्या उस एरिया में जिस एरिया में मैं शोरूम खोलने जा रहा हूं, जिस उसके आसपास के लोगों की, तो कहीं ना कहीं लोगों के एवरेज का पता, लोगों की सैलरी का पता करेंगे,
और जब लोगों की सैलरी का पता करेंगे तो वहां पर ऐसे थोड़ी है कि किसी को अपॉइंट करा और वो बोलेगा जी रामलाल कितना कमा रहा है, श्यामलाल कितना कमा रहा है, नहीं, प्रॉपर एवरेज लोगों की जो तनख्वाह का जो है सम करेंगे, जिसके घर घर जाएंगे, एक सर्वे होगा, सबकी सैलरी का सम करेंगे, जितने लोगों का है उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज सैलरी आएगी। 15,000 रुपए से मेरा ब्रांड स्टार्ट होना है और लोगों की एवरेज सैलरी जो है वो 14,000 रुपए आ रहा है, मेरी बात समझे? तो यहां पर मैं सोच लूंगा कि भैया मुझे यहां पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, लगभग लगभग लोग इसके आसपास ही स्टैंड कर रहे हैं। तो इस बात को आप यहां पर समझें कि एक एवरेज से पता लग जाता है कि किसी ग्रुप की परफॉर्मेंस क्या है। एक इंडिविजुअल नंबर को तो एक्सप्रेस करना मेरे लिए आसान है, मैं अपनी एज तो आपको इजीली बता दूंगा, पर मेरे साथ में अगर 50 लोग हैं तो सबकी एज बताने में मैं बैठ गया तो आप बोर हो जाएंगे सुनते सुनते और आप एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो बेटर क्या है कि मैं अपनी जो है हम अपने ग्रुप की एक एवरेज एज बताते हैं। अब एवरेज एज का फायदा क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब एक्चुअल में उतने उतने के होंगे, पर हम सब उसके आसपास होंगे। आपके कॉलेज जाते हो, रेगुलर कॉलेज है आपका, आप कॉलेज जा रहे हो, आप अपने क्लासरूम में सबकी एज पूछ करके आप जरा एक बार एवरेज निकालो, जो भी एवरेज आएगा 20 साल 21 साल, आप देखेंगे पूरे के पूरे क्लासरूम उसी के नियर बाय ही होगी, ऊपर नीचे कोई ऊपर कोई नीचे, बट एक तरीके का आइडिया तो लग जाता है। अब अगर आप क्लासरूम से बाहर जाके बोलोगे कि भैया हमारे क्लासरूम की एवरेज एज 21 साल है, तो ऐसा थोड़ी कि मेरे माइंड में जाएगा कोई बहुत बूढ़ा है कोई बहुत बच्चा है, जो मैं उसकी इमेज लेके जाऊंगा कहीं ना कहीं वो इमेज सही होगी। तो एवरेज क्या है, एवरेज बेसिकली एक आइडिया लेने के लिए होता है किसी ग्रुप के इंफॉर्मेशन में, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला एक नंबर है जो बताता है कि मेरे ग्रुप में लोग लगभग लगभग इसके आसपास या फिर ये हैं, इसको हम एवरेज कहते हैं, मेरी बात समझे? तो अब यहां पर इंडिया की एवरेज एज 60 साल है, जापान की एवरेज एज 80 साल है। देखो एक सेकंड के अंदर भारत की इतने बड़े देश, जापान इतने बड़े देश के बीच तुलना हो गई है कि भैया वहां के लोग ज्यादा उम्र तक जीते हैं। तो कंक्लूजन में पहुंच गए, और हमें करना क्या है, हमें कंक्लूजन पे ही तो पहुंचना है, हमें जो है एक आइडिया तो लेना है, इसलिए हम एवरेज पढ़ते हैं। तो एवरेज पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले जिनका एवरेज निकाल रहे हो उनका टोटल करना होता है, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उस ऑब्जर्वेशन जितने ऑब्जर्वेशन टोटल करा उससे डिवाइड करना होता है, और आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आपका मीन आ जाएगा। समझ गए जी? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं, मैं बात करता हूं मीन की। तो सबसे पहले आप यहां पर मीन निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ आपको डेटा दिया हुआ है, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, बट एक एक चीज आपके काम आएगी, आप एक एक बार चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला बनाना भी आ जाएगा और आने वाले चैप्टर में बहुत कंफर्ट होंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर 5 में स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। ये आपका सेमेस्टर 5 में स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, आसान भी रहेगा और स्कोरिंग भी रहेगा। हाँ जी, यहां पर देखिए आप द फॉलोइंग। अब यहां पर क्या है कि बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 17 हैं, किसी के 13 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 9 हैं, किसी के 18 हैं, किसी के 11 हैं, किसी के 6 हैं, और किसी के मार्क्स एक नंबर किसी का आया हुआ है। इस बात को समझिए, मैं दोनों तरह के सवालों को बता देता हूं आपको। इसके अंदर ये बच्चों के मार्क्स हैं, तो एक होता है इंडिविजुअल सीरीज। तो टाइप ऑफ सीरीज में कि मैं आज आपको टाइप 1 पढ़ा, इसका पढ़ा रहा हूं अर्थमेटिक मीन का। ये आपके पास में क्या है, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है? तो ये आपका टाइप 1 है, टाइप 1, और टाइप 1 में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज में आप सबसे पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट मतलब कि इसका पहला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। क्लियर है जी, इस बात को समझे। अब आप यहां पर देखेंगे डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करता हूं, डायरेक्ट मेथड में अगर आप देखें तो बच्चे मीन को निकालने का ना, एवरेज निकालने के अलग अलग तरीके हैं। एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के अलग अलग वे है ना, किसी भी रास्ते चले जाओ आप वहीं पे पहुंचोगे। इसी तरीके से आप किसी भी मेथड से आप अगर आप कैलकुलेट करोगे मीन, तो आपका मीन का रिजल्ट सेम आएगा। तो पहला मेथड जो है वो 3 मेथड आपको यहां पर है, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड, एक स्टेप डिवीजन मेथड। मैं वन बाय वन करके मैं सब मेथड पे बात करूंगा, फिलहाल मैं एक इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा हूं। ये इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है कि जब डेटा
एक इंडिविजुअल लेवल पर कलेक्ट किया जाता है या इंडिविजुअल लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लासरूम में जो टीचर आपका जो डेटा मैनेज करते हैं, तो आप देखते हैं कि हर एक एक बच्चे का इंडिविजुअल नाम लिखा हुआ है, उसके आगे उसकी अटेंडेंस या फिर जो भी वो जो है मार्क्स वगैरह वो लिखते हैं। उस जो क्लास जो आपका जो रजिस्टर है आपके क्लास टीचर का, वो रजिस्टर एक इंडिविजुअल सीरीज मेंटेन कर रहा है, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल हर किसी के ऊपर फोकस है। इसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, जहां पर एक एक पर्सन का डेटा रखा जाता है। और जब आपको ये सिर्फ और सिर्फ डेटा दिया जाता है और कुछ भी नहीं दिया जाता, तो समझ जाइए ये इंडिविजुअल सीरीज है। या फिर डेटा दे करके आपको यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर आपको मिल जाए लगातार, तो इसका मतलब भी आप क्या समझ जाएंगे कि ये आपका एक इंडिविजुअल सीरीज है। मेरी बात समझे? तो इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले आप मीन निकालेंगे, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको डेटा का सम, देखिए जो मार्क्स होता है ना, जो डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्स बोलते हैं। हमेशा डेटा को एक्स कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे यहां पर क्या करना है, एक्स का सम करना है। तो सम को सिग्मा, और किसका सम कर रहा हूं, एक्स को कर रहा हूं। तो सम करने को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए सम करते हैं, तो क्या आएगा मेरे पास में, 12। पहले इसको देखेंगे, ये आप ऐसे लिख लिया स्टेट में, 2 और 8 कैलकुलेटर तो आप पे होगा, कोई इश्यू तो है नहीं। तो 2 और 8 आपके पास में, 10 और 7 17 और 3 20, 5 25, 25 और आपका 9 34, 34 और आपके पास में 8 आपका 42, 42 और एक 43, 43 और आपके पास में 6 आपका 49 और एक 50, 0 हो गया और 5 आ गया। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 110 आ गया। क्लियर है? तो अब आपके पास में सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स 110 है। और एन कितने लोगों का डाटा है, ये 10 लोगों का डाटा है। तो आप मीन निकाल रहे हैं, मीन का सिंबल ये होता है एक्स बार। मीन निकाल रहे हैं कैसे, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय आप एन कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा। और ये अगर आप देखते हैं तो 110 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास में जो मीन है वो आपका 11 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। बात समझे? क्लियर है जी? कोई डाउट किसी बच्चे को, ये चीज समझ में आई? तो ये तो खैर डायरेक्ट मेथड इसलिए कहा गया है ताकि आप ऐड करो और सब में बांट दो, डायरेक्टली हो गया ये, तो ये डायरेक्ट मेथड होता है। लेकिन बात अगर मैं करूं शॉर्टकट मेथड की, तो शॉर्टकट मेथड को समझने से पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है। ये शॉर्टकट मेथड की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, उसी क्वेश्चन में देखिए, शॉर्टकट मेथड में जाने से पहले आप इस बात को समझें, एक आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मान लीजिए बच्चे 3 लोग हैं, एक के पास 10 रुपए, एक के पास 20 रुपए और एक के पास 30 रुपए है, ठीक है? तो इसका एवरेज क्या आएगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज 20 आएगा। मैं एक काम कर रहा हूं क्या, कि मैं सब में है ना 5 5, सब में मैं 5 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो अब मेरे डाटा में चेंज हो जाएगा, 10 से 5 हो जाएगा, 20 से 15 हो जाएगा और 30 से 25 हो जाएगा। और मैं अब इसका सम करता हूं यहां पर, तो यहां पर 30 40, ये 45 हो गया, और एवरेज निकाल रहा हूं, तो एवरेज कितना आ जाएगा मेरे पास, 15। क्या समझ में आया? ऑब्जर्व करते रहो, मैं हर एक एग्जांपल लेता जा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, वही मेरे पास 3 डाटा है, 10 20 और 30, और इसका जो एवरेज है वो एवरेज मेरे पास में 60 डिवाइडेड बाय 3 20 है। मैं एक काम कर रहा हूं क्या, सबको मैं मल्टीप्लाई बाय 2, सबको मैं डिवाइड बाय कुछ भी कर लो आप, डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं, तो डाटा चेंज हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10 और यहां पर आपका 15 हो जाएगा। इसका मैं अगर एवरेज निकालता हूं तो ये 25 और ये आपके पास में 30 और डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आया, 10। तो कुछ चीज आप समझ पाए, क्या समझ पाए, कि सभी डाटा पर जो एक सेम इफेक्ट डाल रहा हूं, तो अगर सभी डेटा पे मैं सेम इफेक्ट डाल रहा हूं तो मेरे एवरेज पर भी वही इफेक्ट डल रहा है। सभी डेटा को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा एवरेज भी 2 से डिवाइड हो गया। तो क्या मतलब इसका, कि अगर आप सभी डाटा पर सेम इफेक्ट डालेंगे
तो आपके ओरिजिनल एवरेज पर भी वही इफेक्ट डल के न्यू एवरेज आपका आ जाएगा। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ जाए, मान लीजिए कैट के इसमें एक क्वेश्चन आ जाए कि 50 ऑब्जर्वेशन है, मुझे नहीं पता कि 50 ऑब्जर्वेशन क्या है, नहीं मत मालूम, सब में 5-5 मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो नया वाला जो डेटा आया उसका एवरेज जो है वो 20 आया है, तो ओल्ड एवरेज क्या था? तो ऑब्वियसली जब सब में 5-5 सब्ट्रैक्ट करा है तो एवरेज भी 5 सब्ट्रैक्ट होकर के आया होगा 20, तो पहले इनिशियल एवरेज क्या होगा, 25 होगा। समझे या नहीं समझे, क्लियर है? तो इस तरीके से आप, आपको पता है कि अगर आप सभी डेटा पे जो इफेक्ट डालते हैं वही इफेक्ट एवरेज पर पड़ जाता है। सभी डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज भी 2 हो जाएगा, सभी डेटा को 3 से डिवाइड करेंगे एवरेज भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, सभी डेटा में 5 ऐड करेंगे तो एवरेज भी 5 एडिशन हो जाएगा, सभी डेटा में आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एवरेज भी आपका 10 लेस हो जाएगा। तो आप इफेक्ट सभी डेटा पे डालेंगे वही इफेक्ट आपके एवरेज पर पड़ेगा। इस बात को समझे आप, क्लियर है? अब मैं आता हूं अपने शॉर्टकट मेथड पर। तो शॉर्टकट मेथड देखेंगे, हाँ जी, द फॉलोइंग फिगर गिव्स द मार्क्स। अब मैं वही सेम क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, और सेम क्वेश्चन में मैं शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूं, क्लियर है? मेरे पास में यहां पर n, तो n में तो 1, 2, ग्रीन नहीं दिखेगा इस पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7, 8, 9, 10। तो मेरे पास में n है ये, और मेरे पास में यहां पर जो है मार्क्स भी गिवन है, क्लियर है जी? अब आप देखेंगे शॉर्टकट मेथड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने चुटकी बजाई और आंसर आ गया, नहीं बिल्कुल नहीं है। शॉर्टकट मेथड का मतलब होता है कि डाटा को शॉर्ट कर दिया जाए, डाटा को छोटा कर दिया जाए, फिर आप एवरेज निकालें। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाइप वन सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज ही है, इस बात को समझिए। ये आपका जो है टाइप वन ही है, टाइप वन ही है, लेकिन पार्ट बी पर आ चुके हैं क्योंकि मेथड चेंज हो चुका है, और मेथड जो है वो आपका शॉर्टकट मेथड है। मेथड आपका क्या है, शॉर्टकट मेथड है। तो यहां पर आप इस चीज को जरा देखेंगे, तो आपके पास में क्या है कि पहले आप क्या करेंगे, डेटा जो कि आपको किससे रिप्रेजेंट होता है, एक्स से, इसको शॉर्ट करोगे, और डेटा को शॉर्ट करके जब लिखते हैं तो उसको डी कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। अब डी कैसे निकलता है, मेरे भाई आप एक्स में से ए माइनस कर दो। अब ए क्या है, ए एक इमेजिनरी नंबर है, आपके जो इच्छा हो आप वो पकड़ लो, ए को आप 1000 मान लो, ए को आप 100000 मान लो, ए को आप इसमें से 1 मान लो, ए को आप 11 मान लो, जो इनमें से कोई सा भी नंबर मान लो, इनमें से बीच वाला मान लो, इनमें से हटके भी कोई दूसरा नंबर मान लो, इससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। वो रट्टा रटाने वाली बात है कि बीच वाला पकड़ लो। जनरली सब करते तो मैं भी आपको वैसे ही बता देता हूं, क्योंकि आप बुक के सॉल्यूशन जब डिफरेंट होंगे और मैंने पढ़ा डिफरेंट होगा तो आप पैनिक हो जाओगे, मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको जरूरी ऐसा नहीं है। चलिए ए मैं यहां पर मान लेता हूं, क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 है ना आपके पास, चलिए ए क्या माने बताइए, 9 मान लेते हैं, ठीक है, ए क्या माना हमने, ए हम 9 मान लेते हैं जी, 9। तो अब एक्स माइनस ए, तो डी निकलेगा, तो सब में से मैं 9 माइनस करूंगा, 12 में से 9 हो गया 3, इसमें से 9 हो गया 1, इसमें से 9 हो गया 8, और यहां से आपके पास में 9 हो गया 4, और 15 में से 9 हो गया 6, और यहां पे गया 0, यहां पे 9 हो गया आपका 9, इसमें से 9 हो गया आपके पास में 2, और 6 में से 9 हो गया -3, इसमें से 9 हो गया -8, क्लियर है? डी आ गया, बात समझे? अब आप कहोगे सर ये तो गलत बात, हमारे पास में बच्चों के मार्क्स तो 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1 आया है, और आपको इनका एवरेज मार्क्स निकालना है, इन बच्चों का मार्क्स निकालना है, आप कौन से डाटा के पीछे हाथ धो के बैठ पड़े? कोई बात नहीं, पहले मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूं, समझे, मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूं। तो यहां पर मैं एवरेज निकालूंगा, मैंने क्या कॉलम बनाया, शॉर्टकट मेथड में डी कॉलम आता है, कौन सा कॉलम आता है इसमें, डी। तो यहां पर मैं जो कॉलम बनाता हूं मैं उसी का सम करता हूं ऑलवेज, तो डी का सम करूंगा, तो समीशन ऑफ डी कॉलम, तो क्या आएगा देखते हैं। तो पहले आप प्लस वाले सारे आप पकड़ लो, 3 और 8, 11, 11 और 4, 16, 15, 3 और 8, 11, 11 और आपका 4, 15, 15 और 6, 21, 21 और 9, 30, 30 और 2, 32, तो ये तो आपका प्लस वाला 32 है। अब माइनस वाले पकड़ लो, 8, 3, 11, 11 और 1, 12, तो आपके पास पे यहां पर हो गया 20, ठीक
ठीक है जी। तो यहां पर सिग्मा डी क्या हुआ, सिग्मा डी आपका 20 हो गया, और यहां पर एन कितने ऑब्जर्वेशन है आपके पास में, 10 ऑब्जर्वेशन है। इस बात को समझे या नहीं समझे, क्लियर है? तो अब आप इसका डी कॉलम का मीन निकालोगे, क्लियर है? तो आप कैसे निकालेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका मीन क्या आया, 2 आया। तो मैं बोलूंगा बच्चों के एवरेज मार्क्स 2 आया है। अब बोलोगे ये तो गलत बात, ये तो भैया सरासर बेईमानी है, बच्चों के मार्क्स तो ये आए हैं, आपने इसका तो एवरेज निकाला ही नहीं, आप तो क्लासरूम के मार्क्स ये हैं, मेरे क्लासरूम में बच्चों ने ये स्कोर करा और आप कह रहे हो 2 एवरेज स्कोर है, आप अपने आप ही अपनी मर्जी डाटा को छोटा कर रहे हो। बोलो रुक जाओ, मैंने ये नहीं कहा ये आंसर है, ठहरो तो सही, डाटा को छोटा कर दिया मैंने, मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो गया, मैंने इसका मीन निकाला। लेकिन आप कहोगे सर अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या आप डाटा मैनिपुलेट कर दोगे? भाई मैंने मैनिपुलेट नहीं करा, अभी सुनिए तो सही, आगे बढ़ने तो दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने डाटा में 9 9 सबट्रैक्ट करा, तो सभी डाटा में जब मैंने 9 सबट्रैक्ट करा तो मेरा मीन भी जो आया है अब ये ओरिजिनल मीन से 9 लेस होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मेरा ओरिजिनल मीन क्या होगा, मैं वहां तक पहुंच सकता हूं वापस 9 दे करके, तो 11 था या नहीं था बताइए जरा, था या ना? तो यहां पर फॉर्मूला बेसिकली क्या बन रहा है, ये क्या था सिग्मा डी, ये क्या था एन, और ये क्या था ए। बात समझे या नहीं समझे? तो आपका शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी बाय एन। बात समझे, जहां पर ए क्या है 9 है, सिग्मा डी क्या है 20 है, और एन क्या है आपका 10 है। तो मीन इक्वल्स टू आपका 9 प्लस 20 बाय 10, सॉल्व करेंगे एक्स बार इक्वल्स टू 11। मेरी बात समझे या नहीं समझे, हाँ या ना, क्लियर है जी? मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है फॉर्मूले के पीछे, कि फॉर्मूले का लॉजिक क्या है, चीजें किस नाम से जानी जाती हैं, क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़े। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर आपके पास में चलिए अब मैं इसी टाइप की बात कर रहा हूं, मैं इसी टाइप वन की बात कर रहा हूं। मैं टाइप वन क्यों है ये, क्योंकि भैया ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, और बस पार्ट इसका बदल देता हूं मैं, पार्ट ये सी, पार्ट सी क्यों है, क्योंकि मैं यहां पर एक मेथड जो है तीसरा मेथड पे लेकर आ रहा हूं, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है स्टेप डेविएशन मेथड? पहला काम क्या है कि स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है शॉर्टकट मेथड से, भाई जो तूने डाटा को छोटा करा ना, मैं तुझे भी छोटा करके मीन निकाल दूंगा। भाई मतलब क्या, ये चैलेंज कर रहा है शॉर्टकट को। तो आइए पहले शॉर्टकट को लेकर आते हैं। तो शॉर्टकट के लिए क्या आएगा यहां पर, ये तो मेरे पास में क्या है, एक्स है, तो शॉर्टकट के लिए क्या आएगा, यहां पर मेरे पास में डी आएगा, और डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए। तो ए क्या ले रखा मैंने, 9 लिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या जाएगा मेरे पास में 3 माइनस 1, और यह है मेरे पास में 8, और ये मेरे पास में 4, और मेरे पास में 6, और ये 0, और ये 9, और ये 2, यहां पर माइनस 3 और माइनस 8, ठीक है। ये तो शॉर्टकट है, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड इसको चैलेंज करता है, कहता मैं आपको भी छोटा कर दूंगा, इसको भी छोटा करके जिस कॉलम में लिखते हैं उसका नाम है डी डैश, क्लियर है जी? उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डी डैश। तो डी डैश बेसिकली क्या होता है, डी डैश बच्चे होता है बेसिकली डी डिवाइडेड बाय सी। सी क्या है, कोई भी एक कॉमन नंबर जो सबको डिवाइड कर रहा हो। तो खैर यहां पर ऐसा नंबर कोई भी नहीं जो सबको डिवाइड कर रहा हो, आप कोई भी ले सकते हैं। मान लो आप 2 ले लिया आपने, क्या ले लिया, सी इक्वल्स टू, सी इक्वल्स टू यहाँ पे 2 ले लिया, तो इसको डिवाइड करके और छोटा कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे आप इसको, क्लियर है? 2 वन जा 1, 1.5, 2 से डिवाइड करोगे माइनस 0.5, 2 से डिवाइड करोगे 4, 2 से डिवाइड करोगे 2, 2 से डिवाइड करोगे 3, 0, 2 से डिवाइड करोगे 4.5, 2 से डिवाइड करोगे 1, 2 से डिवाइड करोगे माइनस 1.5, 2 से डिवाइड करोगे माइनस 4, क्लियर है जी? आइए इसका सम करते हैं। तो सम किसका होगा आपके पास में, समीशन डी डैश का होगा, क्योंकि स्टेप डिवीजन मेथड है, जो कॉलम ड्रॉ होता है उसी का सम होता है ऑलवेज। पहले डायरेक्ट में सिर्फ एक्स का ही रोल था, एक्स का सम करा, शॉर्टकट में डी का रोल था, डी का सम करा, स्टेप डिवीजन में डी डैश का रोल है, तो डी डैश का मैंने यहाँ पे सम कर रहा हूं। तो सम करेंगे इसका हम, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, पहले पॉजिटिव को ले सकते हैं आप, तो ये आपके पास में पॉइंट, ये 5 और ये 5, एक एक तो आपके पास में हो ही गया। अब ऐड करें ये, तो क्लियर है, इसको फटाफट आप ऐड कर ले, 1.5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4.5
फाइव प्लस वन तो क्या है 16, और माइनस करेंगे तो आप क्या होगा 0.5 प्लस 1.5 प्लस 4, 6 तो क्या आया आपका 10 आया। क्लियर है जी? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में 10 है और ऑब्जर्वेशन भी 10 है, तो आपके पास में मीन तो 1 आ गया। लेकिन बच्चे समझिए, ये आपका ओरिजिनल डाटा का मीन नहीं है, ये इसका मीन है। और ये डाटा बना कैसे था? ये सबको 2 से डिवाइड करके बना था, सी से सबको 2 से डिवाइड करके डाटा बना था, डाटा सबको 2 से डिवाइड करके बनाया था। तो जो मेरा इसका मीन होगा, ये इसके मीन का कंपेटिबली 2 से डिवाइड हो गया होगा, तो वापस मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में इसका मीन आ जाएगा। लेकिन ये डाटा भी ओरिजिनल डाटा नहीं है, ये सब में से 9 सबट्रैक्ट करके बनाया होगा, तो जो इसका मीन है ओरिजिनल डाटा के मीन से 9 लेस होगा, तो ओरिजिनल डाटा का मीन क्या होगा 11 होगा। तो मेरी बात आप समझे, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? इसका फॉर्मूला बन रहा है एक्स बार इक्वल्स टू आपका ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। इससे तो मेरे पास में डी डैश का मीन आएगा, और इंटू में मैं यहां पर क्या कर दूंगा, इंटू में मैं यहां पर आपका सी कर दूंगा, तो मेरे पास में डी का मीन आ जाएगा, प्लस ए कर दूंगा मेरे पास में एक्स डाटा का मीन आ जाएगा। और यहां पर मेरे पास में ए क्या है, मेरे पास में ए यहां पर 9 है, मेरे पास में सी क्या है 2 है, सिग्मा डी डैश मेरे पास में क्या है, सिग्मा डी डैश मेरे पास में 10 है, और मेरे पास में एन इक्वल्स टू क्या है, एन इक्वल्स टू मेरे पास में 10 है। तो मीन अगर मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं तो ए मतलब 9 प्लस सिग्मा डी डैश क्या मेरे पास में 10, और मेरे पास में यहां पर एन क्या है मेरे पास में 10, और इंटू सी क्या है मेरे पास में 2। तो सॉल्व करेंगे तो 11 मेरे पास में मीन आ गया। तो तीन मेथड होते हैं आपके सॉल्व करने के, तीन मेथड आपके पास में कौन कौन से होते हैं, तीन मेथड बच्चे आपके पास में रहेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। क्लियर है? तीनों मेथड से आपका आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूं फॉर्मूला कैसे बना वो लॉजिक भी आपको समझ में आया होगा, और चीजें कैसे डेवलप हुई है, कैसे क्रिएट हुआ है, वो सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इंडिविजुअल सीरीज क्या है वो भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्लासेस में मैं अर्थमेटिक मीन की ही बात करूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा डिस्क्रीट सीरीज की। ठीक है जी?